बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें आज की वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। आज की हमारी वीडियो केमिस्ट्री के ऊपर है, यूनिट 2 है, 9th क्लास का स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। आज हमने इसमें लेक्चर नंबर 11 करना है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा यूनिट नंबर 2 के। जितने भी मेरी नज़र में क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को जो है वो सारे बताने हैं। देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 इसके अंदर इंपॉर्टेंट है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। ठीक है, कि जो कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने लेक्चर नंबर 1 के अंदर जो है वो करवाया हुआ है। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है वो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इसमें जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है वो भी इंक्लूडेड है इसके अंदर। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटॉन जो है वो दोनों इंपॉर्टेंट है, ये मैंने लेक्चर नंबर 2 में करवाए हुए हैं। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है वो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ये मेरा लेक्चर नंबर 4 उसके अंदर मैंने ये करवाया हुआ है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है इस यूनिट का वो है डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ये भी मेरा लेक्चर नंबर 4 है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 इसमें इंपॉर्टेंट है वो है बोहर एटॉमिक मॉडल। ये मेरा लेक्चर नंबर 5 है, उसके अंदर मैंने इसके बारे में कंप्लीट करवाया हुआ है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है वो है पॉस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। ये भी मेरा लेक्चर नंबर 5 है, उसके अंदर मैंने करवाया हुआ है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये मेरा लेक्चर नंबर 6 है। इसके बाद जो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 8 जो इंपॉर्टेंट है वो है डिफाइन आइसोटॉप्स एंड राइट इट्स यूजेस। ये मैंने लेक्चर नंबर 7 के अंदर सारे करवाए हुए हैं। इसमें देखें तो जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे मैंने जो डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में फॉल करता है। मेरी नज़र में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 7 इधर मैंने बताया पास्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, ये भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो ये 8 ही 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें से ये जो 3 क्वेश्चन है ये आप लोगों ने लाजमी करने, ये वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में फॉल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास तो जो इसकी एक्सरसाइज है उसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं यूनिट 2 के, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले देखें जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस में, उसमें है द एटॉमिक सिंबल ऑफ फास्फोरस आयन इज गिवन एज पीक पावर -3। इसके सारे जो 4 के 4 पार्ट्स हैं ना इसके क्वेश्चन नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 5 है शॉर्ट क्वेश्चन का, एन एलिमेंट हैज़ एटॉमिक नंबर 17, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन के एल एंड एम शेल ऑफ एटम। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 7 है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर वो है मैग्नीशियम हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2A2। इसके तीनों पार्ट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है शॉर्ट क्वेश्चन में वो है वट विल बी द नेचर ऑफ चार्ज ऑन एन एटम वैन इट लूजेज एन इलेक्ट्रॉन और वैन इट गेंस एन इलेक्ट्रॉन। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी इंपॉर्टेंट है, मतलब फॉर व्हाट पर्पस यूरेनियम 235 इज़ यूज्ड। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 11 भी इंपॉर्टेंट है, गिव 3 प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज। इसके अलावा इसका जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो भी इंपॉर्टेंट है, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन इन ऑर्बिट इट डज नॉट एमिट और अब्सॉर्ब एनर्जी, व्हेन डज इट एमिट और अब्सॉर्ब एनर्जी। इसके जो हैं सारे के सारे, ये जो मैंने अभी बताए हैं क्वेश्चन नंबर 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो है यूनिट 2 के, ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। इसके बाद देखें तो जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है, यूनिट 2 के, उसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ आर कैथोड रेज प्रोड्यूस एंड व्हाट आर इट्स 5 मेजर करेक्टरिस्टिक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेरा लेक्चर नंबर 1 है, उसके अंदर मैंने ये ब्रीफली करवाया हुआ है। इसके बाद इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो है हाउ वाज इट प्रूव्ड दैट इलेक्ट्रॉन आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। ये मेरा लेक्चर नंबर 10 है, उसके अंदर मैंने करवाया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट देखें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हाउ रदरफोर्ड डिस्कवर्ड दैट एटम हैज़ ए न्यूक्लियस लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ एन एटम। ये मेरा लेक्चर नंबर 4 इसके ऊपर है। इसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसमें है हाउ डिड बोहर प्रूव दैट एटम मस्ट एग्जिस्ट। मेरा लेक्चर नंबर 5 इसके बारे में है। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसमें व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स व्हाइल राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट या एटम। ये मेरा लेक्चर नंबर 6 मैंने इसमें करवाया हुआ है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम आयन मैग्नीशियम आयन एंड एल्युमिनियम आयन, डू दे हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। ये मेरा लेक्चर नंबर 10 के अंदर मैंने करवाया हुआ है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 भी इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गिव द एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स इन द फील्ड ऑफ रेडियोथेरेपी एंड मेडिसिन। मेरा लेक्चर नंबर 7 इसके बारे में है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 भी इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वट इज़ एन आइसोटोप डिस्क्राइब द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन विद एन एग्जाम्पल। मेरा लेक्चर नंबर 7 इसके बारे में। ये सारे जो अभी मैंने क्वेश्चन बताए हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, 6, 7, 8, 9, 10। ये लॉन्ग क्वेश्चन जो यूनिट नंबर 2 के हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं।
क्लियर। तो ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं ये आप लोगों ने लाजमी करने हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में मेरे में फॉल करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की जो वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो कहने में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।